Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. कि हमारे सर्कल में सभी समाज के मित्र हैं, कोई नॉन वेजिटेरियन भी है, कोई ड्रिंक भी लेता है. इससे हमारे परिवार के सदस्य शंका करते हैं कि शायद मैं भी उनके बहकावे में ना आ जाऊं. इसके लिए मेरे लिए और परिवार के लिए मैं क्या करूं? आज की दुनिया में ये बातें तो होंगी कि आपका बेटा अगर शराब ना भी पीता है लेकिन उसके सारे मित्र शराब न पीने वाले ही हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. आपका बेटा नॉन वेजिटेरियन नहीं खाता है लेकिन उसके सारे मित्र नॉन वेजिटेरियन ना हो, वेजिटेरियन ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है. हो भी सकते, नहीं भी हो सकते हैं. ऐसे में परिवार वाले डाउट करते अपने बेटे पर. तो हमारा कहना यह है कि परिवार वालों के पास में एक समय होता है जब अपने बच्चों को संस्कार देते हैं. वो 15 साल 17 साल तक बच्चा अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट होके जीता है. उस समय माता पिता की जो संस्कार, जो धर्म के संस्कार, जो गुरुओं की वाणी उसने सुनी हो, जो उसने जीवन का दर्शन प्राप्त किया हो, तो उसकी संभावना कम हो जाती है कि उसके बाद में वो किसी कुसंग में जाए. तब तक उसका अपना विवेक भी जागृत हो चुका होता है. तो आपको अपने बच्चों के को दिए गए संस्कारों पर भरोसा करना आना चाहिए कि आपका बच्चा कैसा है, ये आपको पता होना चाहिए. और बच्चों को चाहिए कि वो अपने माता पिता से कुछ छुपाए नहीं. अगर उनके सोच में कुछ प्रश्न उठते हैं तो ये प्रश्नों को भी माता पिता के सामने रखें, खुल करके बात करें. और सपोज कि माता पिता हमारी जिज्ञासाओं का समाधान अच्छे से नहीं कर पाते, सारे माता पिता कर पाए जरूरी नहीं है, तो माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों के प्रश्नों को लेकर के किसी ऐसे सलाहकार अनुभवी जनों के पास ले जाए ताकि उनकी वाणी से बच्चों के प्रश्नों का समाधान हो जाए. जैसे आप हर चीज नहीं सिखा सकते अपने बच्चे को, इसीलिए तो उनको स्कूल में डालते हो, क्योंकि आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सको ऐसे नहीं हो, इतना टाइम भी आप नहीं दे सकते हो, तो आप स्कूल भेजते हो. फिर स्कूल के सिवाय भी बहुत सारी चीजें होती है, अदर एक्टिविटीज जो आपको सिखानी है बच्चों को, वो स्कूल में नहीं मिलती है, तो उसके लिए आप अलग से क्लासेस में करवाते हो. तो क्या बच्चों का साइकोलॉजिकल लेवल बढ़े, स्पिरिचुअल लेवल बढ़े, उनके भीतर की शंकाओं का समाधान होवे, उसके लिए आप उनको ऐसी जगह नहीं लेकर जाना पसंद करोगे जहां जाकर के बच्चे खुल करके अपने प्रश्न कर सके और आप उसका लॉजिकल आंसर ढूंढ सके? तो माता पिता को चाहिए कि बच्चों के समय समय पर प्रश्नों को सुने और उनके प्रश्नों का समाधान देने के लिए अगर खुद समर्थ हो तो खुद करे, खुद समर्थ न हो तो किसी स्पेशलिस्ट की सलाह ले. कई विषयों पर गुरुजनों की सलाह काम आती है, कई विषयों पर और उस विषय के जो पंडित है उनकी सलाह काम आती है, तो उनके सलाहकारों के पास जाए और उनसे सलाह ले, मशविरा करे, ज्ञान प्राप्त करे, जानकारियां प्राप्त करे, तो बच्चों के अंदर भी डाउट्स नहीं रहेंगे और मम्मी पापा के अंदर भी डाउट्स नहीं रहेंगे. ये केवल इसी टॉपिक की बात नहीं है, हर एक टॉपिक को लेकर के ये मार्गदर्शन हमें ग्रहण करना चाहिए. अब है कि मैं अपने परिवार वालों के लिए क्या करूं. परिवार वालों के साथ बैठ करके हर बात शेयर करना सीखो. परिवार में जो बॉन्डिंग अच्छी होती है तो फिर भटकने की संभावनाएं नहीं रहती है. जहां परिवार में ये बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है, जहां माता पिता को फुर्सत ही नहीं अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की, जहां माता पिता बच्चों के साथ बैठ करके बात ही नहीं करते हैं, वहां पर ये प्रॉब्लम्स ज्यादा आती है. इसीलिए माता पिता को चाहिए बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ बातें करें, उनकी हर बात को सुने, समझे और उनके लेवल के अनुसार उनको और अधिक ज्ञान देने में, जानकारियां प्राप्त करने में मददगार बनना सीखे. फिर भी माता पिता डाउट करते हैं तो ये थोड़ी माता पिता की अपनी कमजोरी हो सकती है. ऐसे में बच्चों को चाहिए कि माता पिता को समझाए, विश्वास दिलाए. और एग्जाम्पल तो बहुत सारे हमारे सामने, महात्मा गांधी जी का भी एग्जाम्पल है कि जब वो अफ्रीका में जा रहे थे पढ़ने के लिए तो उनकी माँ उनको जैन मुनि के पास लेकर के गई. सुना होगा आपने. और तब जैन मुनि ने उनको 3 नियम दिए कि तुम विदेश यात्रा के लिए जा रहे हो, पढ़ाई के लिए जा रहे हो, तो ध्यान देना वहां शराब मत पीना, मांस मत खाना, पर स्त्री का सेवन मत करना. तो वे 3 नियम माता ने अपने बेटे को गुरुदेव के पास से दिलवाए और महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कथा में लिखा है कि उन 3 नियमों का उन्होंने पालन किया. तो कहने का मतलब यह है
कि विश्वास पैदा तब हो जाता है जब गुरुजनों की साक्षी से हम कोई नियम ग्रहण करते हैं, या माता पिता की साक्षी से, आत्मा की साक्षी से जब हम प्रत्याख्यान कर लेते हैं, तो बच्चों के ऊपर माता पिता का भी विश्वास होता है और बच्चों को अपने आप पर भी भरोसा होता है कि चाहे कैसा भी बहकावे आ जाए, कैसा भी प्रलोभन आ जाए, लेकिन मैंने अपना प्रत्याख्यान अपने विवेक से ग्रहण किया है, गुरुदेव की साक्षी से ग्रहण किया है, तो अब उस प्रत्याख्यान ग्रहण कर लिए जाने के बाद में वो प्रलोभन उन बच्चों को डिगा नहीं पाते हैं। जैसे आप लोग कभी कभी उपवास करते हो, तो उपवास करते हो आसपास से कहीं खुशबू आ जाती है खाने की, तो मन करता है कि खा लूँ आज, उपवास तोड़ दूँ, नहीं करता है ना, क्योंकि आपके अंदर इतना भरोसा है कि आज उपवास है तो आज कितनी भी खुशबू आ जाए, आज मुझे उपवास तो नहीं तोड़ना है, जब खाना खाऊंगा तब खा लूंगा। तो ऐसे ही अपने अंदर प्रत्याख्यान के ऊपर, संकल्पों के ऊपर इतना भरोसा जागना कि मैं नहीं ग्रहण करता, चाहे मेरे साथ वाली टेबल पर कोई बैठ करके नॉनवेज खा रहा हो तो क्या हुआ, मैं नहीं खाता, चाहे मेरे दोस्त ड्रिंक कर रहे हो तो क्या हुआ, मैं नहीं करता। आपको अपने आप पर भरोसा होना, और जब आप प्रत्याख्यान कर सकते हो तो आपके परिवार वाले भी आप पर भरोसा कर लेंगे। जय हो।